गुड मॉर्निंग बच्चों, थ्री क्लास तक के बच्चों को होमवर्क दे रहे थे तो वीडियो कट हो गया था। एलकेजी यूकेजी 1 2 और 3 तक के बच्चों को होमवर्क हमने दे दिया। ऐसे रिपीट मैं कर देता हूँ। थ्री क्लास के बच्चों को हिंदी मेरा हिंदी पार्ट फोर में चैप्टर 5 और 6 को पढ़ना, समझना, क्वेश्चन आंसर बनाना। व्याकरण हिंदी भाग 3 में पाठ 4 का शब्द भंडार जो है पढ़ना, समझना और क्वेश्चन आंसर बनाना। अब क्लास 4 का मेघा हिंदी भाग 5 और व्याकरण मेघा भाग 4 ये आपका चलता है। इसमें भाग पाठ 5 और 6 को पढ़ना, समझना, क्वेश्चन आंसर बनाना है। और हिंदी व्याकरण में भाग 4 पेज नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पढ़ना, समझना, फिर उसमें का क्वेश्चन आंसर बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 5 के बच्चों को अमर भारती भाग 5 ये चलता है हिंदी का किताब, और व्याकरण हिंदी व्याकरण भाग 4 चलता है। इसमें मैंने दिया है पाठ 4 और 5 को पढ़ना है, समझना है, और पेज नंबर 22, 23, 27, 28, 29 तक का प्रश्न उत्तर सोच समझ कर बनाना है। और व्याकरण मेगा में पाठ 4, 5 को पढ़ना है, समझना है, और इसमें का क्वेश्चन आंसर बनाना है। नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए चुके बच्चों के लिए एबीसीडी का खाली जगह भरना है। दूसरा है आपका मैथ में ये सबसे बड़ा वाला जो अंक है वो लिखना है, जैसे 6, 4, 2 इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 6 है, तो यहाँ 6 लिख देना है। तीसरा में हिंदी है, हिंदी इसके बाद क्या हुआ, ए के बाद आए तब वो, ठीक है, वो के बाद आओ, इस तरह से आपको आगे का अक्षर हिंदी में लिखना है। ये था आज का क्लास 3 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चों को होमवर्क, ठीक है। तो आज के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और मन लगा के पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हो सकता है जुलाई महीने में स्कूल खुल सकता है बड़े बच्चों का।